दो मिनट में चार मार्क्स। तो यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा है, डेवलप अ सिंपल सी प्रोग्राम फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर नंबर। दो इंटीजर नंबर यूजर से लेने हैं, उसका एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन करके दिखाना है। हर प्रोग्राम का शुरुआत हम लोग हैश इंक्लूड str.h एंड हैश इंक्लूड conio.h के साथ करते हैं। तो ये दो हेडर फाइल आप शुरुआत में लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा है void main which is the start point of every C program, so main को हम entry point of every C program कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने void main लिखा है। यहाँ पे देखो अभी मुझे दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहला वेरिएबल मैंने a लिया है जो कि पहला नंबर होगा मेरा, दूसरा मेरा b है जो कि सेकंड नंबर के लिए होगा। उसके बाद मैं add ये जो वेरिएबल है मैंने डिक्लेयर किया जिसमें मैं एडिशन को स्टोर करने वाला हूं, और ये mul जो है जिसके अंदर मैं मल्टीप्लिकेशन स्टोर करने वाला हूं। तो दो चीज एडिशन मल्टीप्लिकेशन मुझे करके दिखाना है। यहां पे उसके बाद मैंने लिखा clrscr जो कि जो हमारा आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं प्रिंटफ में एक मैसेज देंगे, एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी। यूजर को मैसेज देंगे कि ए एंड बी का मतलब पहला और दूसरा वैल्यू एंटर करो जिसको आपको ऐड और मल्टीप्लाई करना है। यहां पे विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ यहां पे मैंने लिखा परसेंट डी। ये दो बार परसेंट डी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे जो वेरिएबल्स है ए और बी उसको मैंने इंटीजर में डिक्लेयर किया है, एंड इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो परसेंट डी होता है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो परसेंट डी तो जो भी पहला वैल्यू है जो यूजर एंटर करने वाला है ये परसेंट डी के मदद से ए के अंदर चले जाएगा। एम्परसेंट डी मतलब एड्रेस, ए के लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा, और ये सेकंड वाला जो वैल्यू वो बी के लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास में ए और बी का वैल्यू मिल चुका है। यहां पे मैंने लिखा ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी जो एडिशन मेरे को दे देगा, mul is equal to a into b जो मेरे को मल्टीप्लीकेशन बेसिकली दे देगा। इसके बाद में यहां पे प्रिंटफ में मैंने मैसेज दिया डबल कोट्स के अंदर, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू add, add के अंदर क्या है यहाँ पे हमने जो addition किया वो है, तो जो भी add का value है percent d के बदले में print हो जाएगा। वैसे ही same यहाँ पे multiplication का message डाला, multiplication of a and b, तो जो भी mul के अंदर value है यहाँ पे percent d के बदले में display हो जाएगा। फिर get ch और आपका program खत्म। ये लिखने से आपके logic का 2 marks है और syntax का 2 marks है। ऐसे 4 marks को score करने के लिए subscribe करिए।